हम शुरू करने वाले हैं आपकी 12th बोर्ड की बायोलॉजी बुक से जूलॉजी पोर्शन, जंतु विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है मानव अध्यावरणीय तंत्र, ह्यूमन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो आज हम क्रमबद्ध तरीके से मानव कार्य की, ह्यूमन फिजियोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका यह प्रथम पार्ट है, प्रथम चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय के साथ में, इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम से क्या मतलब है, अध्यावरणीय तंत्र से क्या मतलब है। तो हमारे शरीर के ऊपर जो आवरण मिलता है और उस आवरण की अन्य सहयोगी संरचनाओं को मिला करके क्या बोला जाता है, अध्यावरणीय तंत्र। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी एंड द हेल्पिंग स्ट्रक्चर और द डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन इट आर कलेक्टिवली नोन एज इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या बता सकते हैं, हमारी हमारे शरीर के सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाता है, स्किन, त्वचा। तो हम इसमें त्वचा और त्वचा से व्युत्पित होने वाले उससे डिराइव्ड दूसरी संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ना क्या है, स्किन प्लस अदर डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे त्वचा व अन्य व्युत्पित संरचनाएं, त्वचा और त्वचा पर पाई जाने वाली अन्य व्युत्पित संरचनाएं। अब हमारी त्वचा के अंदर क्या क्या मिलता है, जब हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन में आपको मिलेगी मेसोडर्मल सेल्स, मेसोडर्मल कोशिकाएं, मेसोडर्मल सेल्स। अब ये क्या होती हैं, हम सब जब पढ़ेंगे मानव प्राणी की ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी तो वहां पे आएगा, जब भ्रूण का निर्माण हो रहा होता है तो एक पूर्ण भ्रूण, एक मानव शिशु का निर्माण तीन स्तरों से होता है, थ्री जर्मिनल लेयर से होता है, जो कि है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये वही मेसोडर्मल कोशिकाएं हैं, साथ ही यहाँ पर मिलता है मेलानिन। मेलानिन क्या है, यह एक प्रकार का वर्णक है, इट इज अ पिगमेंट, वर्णक है जो हमारी त्वचा को एक विशिष्ट प्रकार का रंग प्रदान करता है। इसी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन कॉम्प्लेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम त्वचा में इन सब के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स क्या होती है, डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स या व्युत्पित संरचनाएं जैसे कि बाल, नाखून एवं अन्य ग्रंथियां। तो इसमें आ रहे हैं हेयर्स, नेल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये सब जो हमारी त्वचा है उसकी व्युत्पित संरचनाएं हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं। ग्लैंड्स में आएगी एक तो स्वेट ग्लैंड्स, श्वेत कोशिकाएं, और दूसरी है स्तन ग्रंथियां। तो वे भी श्वेत ग्रंथियों की ही रूपांतरण होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि हमारे शरीर के सबसे बाहर की तरफ जो भित्ति मिलती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे देह भित्ति। क्या बोलेंगे, देह भित्ति या फिर बॉडी वॉल। क्या बोलेंगे इसे, बॉडी वॉल। अब इसमें क्या क्या मिलता है, तो देखिए सबसे बाहर है हमारी त्वचा, त्वचा के नीचे क्या मिलती है, क्या बता सकते हैं, त्वचा के नीचे हमें मिलेगी मसल्स और यानी पेशियां, और उन पेशियों के नीचे हमें क्या मिलेगी, बोन्स, हड्डियां। तो ये तीन स्तर है, सबसे ऊपर है त्वचा, त्वचा के नीचे हमें मिलेगी मसल्स, पेशियां, और उनके नीचे हमें मिलेगी बोन्स या हड्डियां। तो हमारे शरीर में त्वचा का पेशी स्तर
यानी त्वचा और उसके नीचे है पेशियां, दोनों संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं त्वचा का पेशी स्तर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्किन मस्कुलर लेयर। क्या बोलेंगे इसे? स्किन मस्कुलर लेयर एंड द सीलोमिक एपिथेलियम या देह गुहीय उपकला। ये दोनों मिल करके, ये दोनों संरचनाएं मिल करके क्या बनाती है? देह भित्ति या बॉडी वॉल का निर्माण करती है। इन दोनों के मिलने से देह भित्ति का निर्माण होता है। किन किन संरचनाओं के? त्वचा का पेशी स्तर और देह गुहीय उपकला, सीलोमिक एपिथेलियम एंड स्किन मस्कुलर लेयर। ये दोनों मिल करके देह गुहा या बॉडी वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं त्वचा के बारे में, स्किन के बारे में। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये है त्वचा की ऑप्टिकी, या हम बोल सकते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन स्किन। अब हिस्टोलॉजी क्या हो सकता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ऑप्टिकी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारी त्वचा के अंदर कौन कौन से ऊतक मिलते हैं, उनकी कौन कौन सी कोशिकाएं हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। तो हमने मानव त्वचा को उसकी ऑप्टिकी हिस्टोलॉजी, तो अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ त्वचा की। मानव त्वचा को उसमें उपस्थित ऊतकों के आधार पे हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहला भाग है उसका एपिडर्मिस या अधिचर्म और दूसरा भाग है डर्मिस या चर्म। तो थोड़ा सा क्वेश्चन रब करना पड़ेगा हमें जी। तो देखिए ह्यूमन स्किन, तो हमने बोला कि ह्यूमन स्किन को हमने दो भागों में विभाजित किया है, एक है अधिचर्म और एक है चर्म। ऊपर मिलती है अधिचर्म और नीचे की तरफ मिलती है चर्म। तो ये है डर्मिस और ये है एपिडर्मिस। दोनों मिलकर के क्या बनाती है? त्वचा। या दोनों मिलकर के क्या बनाएगी? स्किन का निर्माण करती है। डर्मिस त्वचा से, एपिडर्मिस से थोड़ा सा मोटा स्तर होता है। दोनों के बीच में एक पतली झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, या इसे हम बोलेंगे आधारी झिल्ली। तो इस तरह से ये दोनों को अब हम अलग अलग से पढ़ते हैं। तो आप भी अपने पेज पर जहां पे आप लिख रहे हैं वहां पे दो सेक्शन बना दीजिए, एक तरफ लिख दीजिए एपिडर्मिस और एक तरफ डर्मिस, एक तरफ अधिचर्म और एक तरफ चर्म। तो अब इन दोनों के बारे में पहले इन दोनों में इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे नंबर वन है आपके अधिचर्म एपिडर्मिस। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। इसका ओरिजिन किससे हुआ है? एक्टोडर्म से, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। अभी बताया था कि भ्रूण से पूर्ण विकसित शिशु का निर्माण तीन जननीय स्तरों से, जर्मिनल लेयर से होता है, जो कौन कौन सी है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। उसमें से एक्टोडर्मल ओरिजिन, एक्टोडर्म से बनने वाली लेयर कौन सी है? हमारी एपिडर्मिस। इट लैक ब्लड वेसल्स, यहाँ पर रुधिर कोशिकाएं, रुधिर केशिकाएं, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। तो फिर इन्हें पोषक तत्व कहां से मिलते हैं? जो हमारी अधिचर्म है, ये रही अधिचर्म, इसकी जो सबसे बाहर की कोशिकाएं हैं, जैसे ये वाली परत है, ये परत होती है मृत, डेड। तो इन कोशिकाओं को तो पोषण की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कैसी है? डेड सेल्स है। इनमें जो सबसे नीचे उपस्थित होती है कोशिकाएं, वो डर्मिस यानी चर्म में उपस्थित रुधिर वाहिनियों से पोषण प्राप्त करती हैं। तो अधिचर्म के अंदर खुद में रुधिर वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ये स्तर कहीं कहीं पर मोटा होता है, कहीं कहीं पर पतला होता है। जहां पर बहुत अधिक ग्रसण की संभावनाएं हैं उन जगहों पर अधिचर्म
बहुत सारी लेयर से मिलकर के और बहुत मोटी हो जाती है, और जिन भागों पर घर्षण की संभावना बहुत कम है हमारे शरीर में, उन स्थलों पर यह पतली हो जाती है। जैसे कि हमारी हथेली और तलुआ, हमारे एंकल्स और हमारा पाम, तो आप देखिए यहाँ पर काफी मोटी परत मिलती है हमारे स्किन की ऊपर वाली जो लेयर है वो। तो ये यहाँ पे मोटी क्यों है? क्योंकि हाथों में और एंकल्स, ये हमारे पैरों के जो तलुए हैं, वहां पर घर्षण होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर अधिक जल इकट्ठा होकर के और एक मोटा स्तर बनाती है। दूसरा भाग हमारी आंखों का जो कॉर्निया है, ये व्हाइट वाला जो भाग है, इसके ऊपर घर्षण की संभावना सबसे कम है। तो यहाँ पर जो एपिथीलिया मिलती है वो पतली होती है और साथ में पारदर्शक भी होती है। तो कहीं कहीं पर मोटी परत बनाते हैं, कहीं कहीं पर पतली परत बनाते हैं, साथ ही में इसे हम बोलते हैं स्तरित त्वचीय ऊतक, या फिर हम इसे बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल टिश्यू। ऐसा क्यों बोला है? अगर एक ही परत होती तो हम इसे यह नाम नहीं देते, लेकिन ऐसे ऊतक जो मल्टीपल लेयर से मिलकर बनते हैं, बहुत सारी परतों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल टिश्यू या स्तरित त्वचीय ऊतक। दिस इज ऑल अबाउट एपिडर्मिस, जो कहां मिल रही है? त्वचा में सबसे ऊपर की तरफ मिल रही है। अब हम आते हैं डर्मिस पे। अगेन एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों के बीच में आपको क्या मिल रही है? बेसमेंट मेम्ब्रेन मिल रही है। डर्मिस या चर्म, ये एपिडर्मिस से मोटा रीजन है, थोड़ा सा इससे ज्यादा चौड़ा भाग होता है। चर्म का ओरिजिन किससे होता है? मीजोडर्म से। तो भ्रूण की जो जननिक स्तर होते हैं, जो जर्मिनल लेयर्स होती है, उनमें से जो बीच वाली लेयर है जिसे हम बोलते हैं मीजोडर्म, उससे बनती है चर्म। क्या बता सकते हैं अधिचर्म किससे बनती है? अधिचर्म बनती है एक्टोडर्म, यानी सबसे बाहर मिलने वाले स्तर से। यह एपिडर्मिस से 2-3 गुना ज्यादा मोटा भाग है, या फिर इट इज 2-3 टाइम्स थिकर देन द एपिडर्मिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एपिडर्मिस और डर्मिस, उपत्वचा और त्वचा, इन दोनों में से मोटी परत कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? त्वचा या चर्म जो है, ये मोटी परत है 2-3 गुना। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है और स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा ज्यादा लचीला और ज्यादा मजबूत लेयर है ये। इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर हमें तंतुमय संयोजी ऊतक देखने को मिलते हैं। मोस्टली कौन से? व्हाइट कोलेजन, श्वेत कोलेजन तंतु जो होते हैं वो यहाँ पर ज्यादातर पाए जाते हैं। इसके साथ में इस भाग में हमें क्या मिलेगी? रुधिर कोशिकाएं। तो इसका मतलब है चर्म में जितनी भी कोशिकाएं हैं, सभी लिविंग सेल्स होती हैं, सभी जीवित कोशिकाएं होती है, और उनको पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है? रुधिर वाहिनियों का, ब्लड वेसल्स का। साथ ही में यहाँ पे सेंस करने के लिए नर्व सेल्स भी मिलती है, तंत्रिका कोशिकाएं। तो जब भी हमारे मान लो दिल चुप जाए या फिर गर्म सतह को छू ले हम, तो हमें सेंस हो जाता है, हमें पता चल जाता है। ये किनकी वजह से होता है? नर्व्स की वजह से। तो जो नर्व्स हैं वो कहाँ पे मिल रही है हमें? चर्म के अंदर मिल रही है या डर्मिस में मिल रही है। तो हमारी त्वचा के ये दो भाग हैं जिनके बारे में हमने देखा। अब हम इनको डिटेल में लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एपिडर्मिस, अधिचर्म। आपको ये ध्यान रखना है कि अधिचर्म को पुनः 5 भागों में बांटा गया है, या फिर 5 स्तरों में बांटा गया है। जैसा कि बताया था कि यह अधिचर्म को हम क्या बोलते हैं, इसे हमने स्ट्रेटिफाइड लेयर बोला है, या फिर स्तरित ऊतक बोला है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर्स मिलती है, इसमें बहुत सारे स्तर पाए जाते हैं। मुख्य स्तर हैं 5, कौन कौन से? सबसे पहला स्ट्रेटम। स्ट्रेटम का मतलब है स्तर या लेयर। तो नंबर 1 इज स्ट्रेटम मैल्पिकी, मैल्पिकी स्तर, या फिर इसको अंकुरण स्तर भी बोलते हैं, आधार स्तर भी बोलते हैं। दूसरा है स्ट्रेटम स्पॉन्जी स्पाइनोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम या शूल स्तर। तीसरा है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, या फिर हमने इसको बोला है ग्रंथिक स्तर, या फिर ग्रैन्युलोसम स्तर। चौथा है स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, या फिर हमने इसे बोला है स्वच्छ स्तर। और नंबर 5 है स्ट्रेटम कॉर्नियम, हिंदी में हमने इसे बोला है किन स्तर। तो ये 5 हमारे पास स्तर है, इनके बारे में कुछ ब्रीफली हम सब जानकारी लेते हुए चलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रथम स्तर से, जिसका नाम है स्ट्रेटम मैल्पिकी। तो इसके 3 नाम है,
इसको हमने बोला है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, दूसरा हमने इसको बोला है स्ट्रैटम मैल्पिकी, और तीसरा हमने बोला है इसको स्ट्रैटम बेसल। ये तीनों नाम इसी स्तर के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। हिंदी में इसको हमने बोला है अंकुरण स्तर, या फिर आधारीय स्तर, या फिर मैल्पिकी स्तर। यह जो स्तर है यह अधिचरण का सबसे भीतरी स्तर है। तो आप बता सकते हैं, क्या यह बता सकते हैं कि यह स्तर किसके ऊपर मिलता होगा? तो आइए थोड़ा सा चित्र की हेल्प से देखते हैं। इस चित्र में आपको बताया गया है कि यह जो भाग है नीचे वाला, यह है चर्म। तो त्वचा के दो भाग है, ऊपर वाला अधिचर्म, नीचे वाला चर्म। ऊपर वाला एपिडर्मिस, नीचे वाला डर्मिस। यह डर्मिस लेयर है। इस डर्मिस लेयर के ऊपर यह एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, जिसको बोलते हैं बेसल मेम्ब्रेन या आधार झिल्ली। हमें ध्यान रखना है कि यह आधार झिल्ली किससे बनती है? डर्मिस से या चर्म से बनती है। इसके बिल्कुल ऊपर का स्तर, अधिचर्म का सबसे निचला और चर्म के ऊपर वाला स्तर क्या कहलाता है? अंकुरण स्तर या आधार या मैल्पिक स्तर। तो ये क्या कौन सा है? अधिचर्म का तो सबसे निचला और चर्म के ठीक ऊपर मिलने वाला स्तर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि यह सबसे इनर मोस्ट, सबसे भीतरी, अधिचर्म का सबसे भीतरी स्तर है और इसकी समस्त कोशिकाएं जीवित होती है। तो इसमें कौन सी कोशिकाएं मिलती है हमें? जीवित कोशिकाएं मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि जीवित कोशिकाएं हैं तो ये भोजन कहाँ से, प्राप्त करती है, पोषण कहाँ से प्राप्त करती है? तो जैसा कि हमें पता है डर्मिस, डर्मिस के अंदर हमको मिलती है रक्त वाहिनिया, ब्लड वेसल्स। कहाँ मिलती है हमें ये? डर्मिस में, चर्म में। एपिडर्मिस में ये नहीं मिलती। तो ये इन्हीं रुधिर वाहिनियों से अपना पोषण प्राप्त करती है। तो अधिचर्म की सबसे आंतरिक पहली परत कौन सी होगी? अंकुरण स्तर या आधारीय स्तर या मैल्पिक स्तर। समस्त कोशिकाएं कैसी है? जीवित है। तो पोषण कहां से प्राप्त करती है? डर्मिस या चर्म में उपस्थित रुधिर वाहिनियों से ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसके बाद में ये किससे चिपका होता है? आधार कला से, या हम इसको बोल सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से। यह बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी है? ऑफ डर्मिस, चर्म की। यह जो आधार कला है यह किसकी है? चर्म की आधार कला है, उससे ये जुड़ी होती है। इसमें कोशिकाएं कौन सी है? स्तंभाकार, पिलर लाइक सेल्स मिलती है। ऐसी कोशिकाएं हैं स्तंभाकार कोशिकाएं, पिलर लाइक, जो क्या करती है? लगातार विभाजन करती है। दे कॉन्टिन्यूसली डिवाइड, लगातार विभाजन करती रहती है और ऊपर की तरफ नए स्तरों या कोशिकाओं के नए स्तर को बनाती जाती है। तो यह खुद तो एकल स्तर है, यानी यूनिलेयर। तो यह जो स्तर है मैल्पिकी, स्ट्रेटम मैल्पिकी और मैल्पिकी स्तर, ये स्वयं तो एक ही स्तर का बना होता है, एक ही लेयर से बना हुआ है, एक ही कोशिकीय स्तर से बना हुआ है। लेकिन ये क्या करते हैं? डिवाइड करके, यानी कोशिका विभाजन करके ऊपर की तरफ अन्य स्तरों का निर्माण करते जाते हैं। इन कोशिकाओं में उभार मिलते हैं, प्रोजेक्शन, इनमें उभार या प्रोजेक्शन मिलते हैं, जिन्हें बोला जाता है रेटेपैक्स। रेटेपैक्स क्या है? इन कोशिकाओं में मिलने वाले उभारों को हम क्या बोलते हैं? रेटेपैक्स। यह स्तंभाकार की कोशिका है, पिलर लाइक सेल है और इसमें इसका केंद्रक उपस्थित है, न्यूक्लियस। इस कोशिका में ये गुणसूत्र है और ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये सेंट्रियोल है, तो किस तरह से कोशिका विभाजन यहाँ पर हो रहा है। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच बीच में विशेष कोशिकाएं मिलती है जिनको हम बोलते हैं मेलेनोसाइट्स। इनमें एक प्रकार का वर्णक भरा होता है जिसे बोलते हैं मेलेन। तो ये कोशिकाएं कौन सी है? मेलेनोसाइट्स, वर्णक कोशिकाएं। तो इन्हीं के बीच बीच में हमको क्या मिलती है? मेलेनोसाइट्स मिलती है। इसको
इनमें एक वर्णक भरा रहता है, पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम क्या है? मेलानिन। इसी की वजह से मनुष्यों में त्वचा का रंग अलग अलग होता है, कोई बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन लोग होते हैं। तो ये सबसे पहली लेयर है जिसको हमने बोला है स्ट्रेटम मेलानी की। अब हम लेते हैं दूसरा स्तर, इसका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम या फिर शूल स्तर। अब देखिए सबसे नीचा निचला स्तर तो है स्ट्रेटम मेलानी स्तर, ये सबसे निचला है। इसकी कोशिकाएं हमने देख ली है, इसके बारे में पढ़ लिया है। एक चीज बताना था कि ये जो है टैक्टाइल कोशिकाएं, ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनको बोला जाता है टैक्टाइल कोशिकाएं। ये क्या करती हैं? अब ये पूरा स्तर जो है अधिचर्म से बना हुआ है, नीचे वाला स्तर है चर्म। तो जो रुधिर वाहिनियां और तंत्रिकाएं नर्व्स, ये सब कहां पे मिलते हैं? हमें चर्म स्तर में मिलते हैं। लेकिन कुछ संवेदी भाग या हम बोल सकते हैं तंत्रिकीय कोशिकाएं कहां पे पाई जाती हैं? अधिचर्म में मिलती है, जिन्हें बोलते हैं टैक्टाइल सेल्स, टैक्टाइल कोशिकाएं। इनका काम होता है हल्के से हल्का स्पर्श को महसूस करना और उसके बारे में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताना। तो ये संवेदी कोशिकाएं हैं जो कहां मिलती है? सबसे आंतरिक स्तर में, अधिचर्म के आंतरिक स्तर यानी स्ट्रेटम मेलानी में पाई जाती है। दूसरा स्तर है स्ट्रेटम स्पाइनोसम या शूल स्तर। इसमें इसके ये कहां पे मिलती है? आउटसाइड द मेलानी की, आउटसाइड स्ट्रेटम मेलानी, मेलानी की स्तर के बाहर की तरफ, यानी ये स्तर जो हो गया तीन चार कोशिकाओं का, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। तो मेलानी की स्तर के बाहर की तरफ या ठीक ऊपर की स्तर की तरफ पाया जाता है। यह कई स्तरों का बना होता है, 3-4 लेयर ये होगा। इसके बाद में इसमें पॉलीहेड्रल या बहुकोणीय कोशिकाएं मिलती हैं। तो इस तरह की जो कोशिकाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रल सेल्स। तो ये इस प्रकार की पॉलीहेड्रल सेल से बना हुआ जो स्तर है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये क्या प्रदान करता है? स्ट्रेंथ। इसका काम है मजबूती प्रदान करना। और सबसे अधिचर्म का आंतरिक स्तर कौन सा? स्ट्रेटम मेलानी की, उसके ऊपर वाला स्ट्रेटम स्पाइनोसम या फिर शूल स्तर। तीसरा स्तर है स्ट्रेटम ग्रैंडुलोसम या ग्रंथिल स्तर। यह 5 या 6 परतों से बना होता है, 5-6 लेयर। कैसा होता है ये? 5-6 लेयर होता है। इसमें इसकी कोशिकाओं में एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन मिलता है जिसको बोलते हैं केराटोहाइलिन। क्या बोला है इसको हमने? केराटोहाइलिन। क्या है यह? ये एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन है जो किन में पाया जाता है? स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम की कोशिकाओं में या ग्रंथिल स्तर की कोशिकाओं में मिलने वाला विशिष्ट प्रोटीन है। तो ये इसका एक विशेष पॉइंट है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। चौथा स्तर है स्ट्रेटम ल्यूसीडियम या फिर स्वच्छ स्तर। ये स्तर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक या जल रोधी। तो क्या आप बता सकते हैं कि जब हम अपनी त्वचा पर पानी डालते हैं तो वो कितने स्तरों के अंदर चला जाता है? तो देखिए ये कौन सा स्तर है? चौथा, यानी नीचे से चौथा है। तो ये पहला स्तर था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वाला स्तर जल रोधी स्तर बना देता है, यानी इसके नीचे पानी नहीं जा सकता। तो ये क्या कौन सा स्तर बना रहा है? जल रोधी, ये बात ध्यान रखनी है। तो कौन सा स्तर है? स्वच्छ स्तर या फिर स्ट्रेटम ल्यूसीडियम। इट फॉर्म्स अ हाइड्रोफोबिक लेयर या जल रोधी स्तर का निर्माण करता है। इसमें कितनी परतें हैं? 3-4 परतें मिलती है, 3-4 लेयर्स यहाँ पे होती है। साथ ही में इनकी इनकी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में, कोशिकाओं के अंदर जो जल द्रव्य भरा है साइटोप्लाज्म में, जिसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य, इसमें विशिष्ट पदार्थ मिलता है जिसको बोलते हैं एलिडिन। क्या बोला है हमने इसे? एलिडिन पदार्थ। ये कैसे बनता है? यह वो विशिष्ट प्रोटीन जो ग्रैनुलोसम स्तर की कोशिकाओं में मिलता है जिसको हमने बोला है केराटोहाइलिन। तो ये बनता है केराटोहाइलिन के विघटन से।
इज फॉर्म्ड बाय डीफॉर्मेशन ऑफ केराटोहाइलिन। तो केराटोहाइलिन टूटा, इससे क्या बनता है? एलिडिन। और एलिडिन कौन से स्तर में पाया जाता है? स्वच्छ स्तर में या फिर स्ट्रेटम ल्यूसीडियम में मिलता है, इनकी कोशिकाओं के जीव द्रव्य में मिलता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेटम ल्यूसीडियम की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं होती है ई न्यूक्लिएटेड, यानी पहले तो इनमें केंद्रक होता है लेकिन बाद में केंद्रक नष्ट हो जाता है। तो ये कोशिकाएं कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है। तो दे आर ई न्यूक्लिएटेड, पहले न्यूक्लियस था, केंद्रक था, लेकिन बाद में नष्ट हो गया। और यह स्तर एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाता है, यानी ऐसा स्तर जिसके आर पार दिखाई देता हो, ऐसा स्तर का निर्माण ये करता है। अगली परत है किड स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। हमें ध्यान रखना है कि यह स्तर जो है वो सबसे बाहरी स्तर है, ऐसा है सबसे बाहरी, और हमें इसमें स्केल या शल्क रूपी कोशिकाएं पाई मिलती है। तो कैसी कोशिकाएं मिल रही है? स्केली, शल्क नुमा। तो आप लोग समझ सकते हैं ये अपने आप कि ये कोशिकाएं वो है जो प्रोटेक्शन करती है या फिर सुरक्षात्मक कवच का निर्माण करती है, सुरक्षात्मक परत का निर्माण करती है, जो कौन सी परत है? पांचवी और सबसे बाहरी। इसकी कोशिकाएं डेड होती है, मृत कोशिकाएं पाई जाती है इस स्तर में पूरी तरह से। कैसी कोशिकाएं? मृत। तो बनती कहां से है फिर? सबसे अंदर कौन बैठा हुआ है? स्ट्रेटम मेल्पिकी। तो मेल्पिकी स्तर की कोशिकाएं जो लगातार विभाजन कर रही है, ये ऊपर की तरफ नई कोशिकाएं बनाती रहती है और एक के बाद एक स्तरों में कोशिकाएं बढ़ती जाती है। तो आपको अगर ये बता पूछा जाए कि इस स्तर में कोशिकाएं कौन से स्तर से आती है, तो आप ये बोलेंगे कि विभाजन तो कहां पे हो रहा है? मेल्पिकी स्तर में। तो सारे ही स्तरों में कोशिकाएं भेजने का काम किसका है? स्ट्रेटम मेल्पिकी का, मेल्पिकी स्तर का। लेकिन ये जो स्तर है कॉर्नियम, इसमें जो कोशिकाएं आ रही है वो कौन से स्तर से आ रही है? स्वच्छ स्तर से। इसमें कहां से आ रही है? ग्रैनुलोसम से। इसमें कहां से आ रही है? स्पाइनोसम से। और अल्टीमेटली वह स्तर जो विभाजन कर रहा है उसका नाम है स्ट्रेटम मेल्पिकी। तो इसमें मृत कोशिकाएं हैं, डेड सेल्स होती हैं, क्योंकि इनका जीव द्रव्य सूख जाता है, जीव द्रव्य सूख जाता है, प्लस इसमें हमें मिलता है विशिष्ट प्रोटीन जिसका नाम है एलिडिन। एलिडिन प्रोटीन जो कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता था? ग्रंथि कोशिकाओं में पाया जाता था, सॉरी, जो हमें मिलता था स्वच्छ स्तर में ल्यूसीडियम में, वह प्रोटीन साथ में जीव द्रव्य सूख जाने के कारण ये कोशिकाएं कैसे हो जाती है? मृत हो जाती है। ये कोशिकाएं मृत होकर के हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाती है या सींग नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, सींग नुमा उभार बनाती है, जिनको हम बोलते हैं रेटिन। ये सबसे मोटा स्तर है, सबसे मोटा स्तर होता है, थिकेस्ट लेयर, जिसमें कितनी कितनी परतें मिलती है? 8 से 10 लेयर, जिसमें 8 से 10 परतें इसमें मिलती है। इस परत में या इस स्तर में विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं श्रृंगी भवन। तो इसमें कोशिकाएं जैसी है, कोई ध्यान रखना आपको, चपटी कोशिकाएं हैं और मृत है, यहाँ पे फ्लैट सेल्स है और जो कि डेड हो करके और एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करती है जिसको हम बोलते हैं केराटिन। केराटिन निर्माण को ही हम क्या कहते हैं? श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन। तो केराटिन कैसा अभी बताया था? हॉर्न लाइक, यानी सींग नुमा संरचना जो कैसी होती है? मृत। इन्हीं संरचनाओं के निर्माण को हम बोलते हैं केराटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन। इससे बनने वाली संरचनाएं हैं दो प्रकार की हमारे पास में, जैसे बाल, श्रृंगी भवन या श्रृंगी भवन से बनने वाली संरचनाओं के उदाहरण क्या है? बाल, हेयर्स एवं नाखून, नेल्स। तो ये दो उदाहरण है इसके केराटिनाइजेशन या फिर श्रृंगी भवन के। त्वचा का दूसरा भाग है चर्म, ऊपर वाला भाग था अधिचर्म एपिडर्मिस, उसके नीचे वाला भाग है डर्मिस या चर्म, इसके ऊपर मिलती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो
अधिचर चर दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन भी कौन बनाता है? चर्मी बनाती है, डर्मिस ही बनाती है। डर्मिस को या चर्म को हमने दो भागों में बांटा है, पहला है पेपिलरी स्तर, पेपिलरी लेयर, और दूसरा है रेटिकुलेट स्तर या जालिका वर्क, जो नेटवर्क की तरह नेट लाइक होता है उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट लेयर या जालिका स्तर। तो इन दोनों में सबसे पहला स्तर है उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट स्तर, ये दिस इज द फर्स्ट लेयर। तो ये एपिडर्मिस, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे वाला ये पूरा भाग है डर्मिस का, जिसमें ये ऊपर वाला भाग है पेपिलरी लेयर और ये वाला भाग है रेटिकुलेट लेयर का। तो ये है फर्स्ट लेयर, प्रथम स्तर, जो बनी होती है कोलेजन तंतुओं से। तो इसमें मुख्य रूप से क्या मिलते हैं? व्हाइट कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं, कोलेजन तंतु मिलते हैं, कोलेजन फाइबर साथ में मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, इसमें मिलेगा आपको कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे, और मिलेंगे फ्लेक्सिबल फाइबर, फ्लेक्सिबल फाइबर्स, लचीले तंतु, और मिलती हैं ब्लड वेसल्स, और इसमें मिलती है ब्लड वेसल्स। अब अगेन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कोई विशेष नर्व सेल्स नहीं मिल रही है, नर्व सेल्स मिलती हैं क्योंकि जो कुछ संवेदी अंग जो है हमें एपिडर्मिस में भी मिलते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए नर्व्स मिलती हैं, लेकिन कोई विशिष्ट संरचना यहाँ पर तंत्रिकाओं की नहीं पाई जाती। तो ये सबसे ऊपरी स्तर है जिसको बोलते हैं पेपिलरी लेयर, दूसरा सबसे मोटा स्तर जो मिलता है हमें वो है रेटिकुलेट लेयर। तो ये कैसा स्तर है? मोटा स्तर है, इट इज अ थिक पार्ट और अ थिक लेयर ऑफ डर्मिस। इसमें आपको मोटे तंतु या आप बोल सकते हैं थिक फाइबर्स चारों ओर फैले हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला नाम दिया गया है? रेटिकुलेट या नेटवर्क लाइक, जो नेट की तरह दिखाई देता है, जालिका की तरह दिखाई देता है, वह इस तरह इसका नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें चारों तरफ मोटे तंतु फैले रहते हैं, थिक फाइबर्स फैले रहते हैं। इसमें क्या क्या मिलते हैं हमें? त्वक ग्रंथियां, ये है स्किन ग्लैंड्स। अब स्किन में कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं? एक तो है श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स जिनसे पसीना बनता है, दूसरी है ऑयल ग्लैंड्स जिनसे तेलीय पदार्थों का स्रवण किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है दो तरह की हमारी स्किन ग्रंथियां, ये दोनों तरह की ग्रंथियां कौन से स्तर में मिलती है? रेटिकुलेट स्तर में मिलती है। इसके बाद में मिलते हैं रोम पुटिकाएं, हेयर रूट सेल्स, हेयर रूट्स या हेयर फॉलिकल्स, या हम बोल सकते हैं बालों की जो जड़े होती है वो कौन से स्तर में मिलती है? रोम में, सॉरी चर्म में, और चर्म के भी कौन से स्तर में? जालिका वृत्त स्तर में हमें रोम पुटिका या हेयर रूट्स देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे मिलते हैं त्वक संवेदांग यानी सेंसरी ऑर्गन्स यानी नर्व्स का जाल हमें यहाँ पे मिलता है, और साथ में मिलता है कुछ फैट लेयर। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है चर्म, चर्म के नीचे आपको याद रखना है कहाँ पे चर्म यहाँ खत्म हो गया, रेटिकुलेट के नीचे एक विशिष्ट ऊतक पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एडिपोज या फिर इसे हम बोलते हैं वसीय ऊतक। जो लोग मोटे होते हैं ओबेसिटी जिनमें मिलती है उनमें यही ऊतक है जो ज्यादा मिलता है, तो हम जितना ज्यादा फैट खाते हैं वो वसा इस ऊतक के अंदर स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से एक तो ये मजबूती प्रदान करता है किसको? हमारी स्किन को, डर्मिस को। साथ ही ये काम करता है इंसुलेटर का, इंसुलेटर की तरह यानी ताप निरोधक। तो हमारी हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उस तापमान को नियंत्रित करने के लिए ना तो अंदर से हीट बाहर जाए ना बाहर से अंदर आए, इसके लिए इंसुलेटर की तरह काम करता है कौन सा ऊतक? वसीय ऊतक या एडिपोज, जो कहां मिलता है? त्वचा के नीचे। तो त्वचा के दो भाग हो गए, अब अधिचर्म और चर्म, और चर्म से नीचे हमको क्या मिलता है? एडिपोज टिश्यू। तो ये सब पहला टॉपिक आज हमारा क्लियर हुआ, त्वचा की संरचना। अब अगले टॉपिक में, अगले लेसन में हम बात करेंगे त्वचा में मिलने वाली विशिष्ट ग्रंथियों की और अन्य संरचना।